सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर वन ए पार्ट, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1100 वॉट ऑपरेट्स एट 220 वोल्ट, कैलकुलेट फर्स्ट इट्स रेजिस्टेंस एंड द करंट ड्रॉन बाई इट। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है फर्स्ट पार्ट ए में, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पावर है 1100 वॉट और वोल्टेज दी है 220 वोल्ट। हमने रेजिस्टेंस निकालनी है पहले इसकी फर्स्ट पार्ट में, तो हमें रिलेशन पता है पी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर अपॉन आर, सो यहाँ से रीरेंज कर लेंगे रेजिस्टेंस हो जाएगी बी स्क्वेयर अपॉन पी। सो बी हमारे पास है 220 का स्क्वेयर ओवर पी 1100, सो दिस बिकम्स 220 मल्टीप्लाई 220 ओवर 1100, जीरो के साथ जीरो कट हो जाएगी, 11 2 22 ये बन जाएगा 44 ओम। फर्स्ट पार्ट निकल गया, बी जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने निकालना था करंट, सो करंट आ जाएगा हमारे पास आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर, बी 220 हो जाएगा और डिस्टेंस 44, 44 5 द 220 करंट आ जाएगा 5 एम्पियर। अब बी पार्ट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट, जो ये सर्किट दिया हुआ है इसमें हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। सो पहले आपके पास ये 20, 10 और ये 10, ये 10 और 10 जो है वो सीरीज में है और इनके साथ ये 20 जो है पैरेलल में है। सो सबसे पहले हम इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/20 प्लस हेयर 10 प्लस 10 20, तो 20 दिस इज इक्वल टू 20 LCM टू 1/10, सो यहाँ पे R इक्विवेलेंट हो जाएगी 10 ओहम। अभी ये 10 ओहम और ये इक्विवेलेंट जो हमने निकाला 10 ओहम और ये 20, ये सारे सीरीज में है, सो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी सर्किट की, मतलब R इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल टू 10 ओहम प्लस जो हमने ये R इक्विवेलेंट निकाली है इस कॉम्बिनेशन की, R इक्विवेलेंट प्लस 20 ओहम, दिस इज इक्वल टू 10 ओहम प्लस 20 ओहम, 10 10 20 प्लस 20 दैट इज 40 ओहम। सो इस तरह से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 40 ओहम। सो इस तरह से आर इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 40 ओहम।